बहादुरगढ़ में दिन रात हो रही बारिश से किसान और आमजन बेहाल हो गए हैं। शहर और गांवों की गलियों में पानी भरा है, वहीं खेतों में खड़ी किसानों की फसल भी बारिश की वजह से बर्बाद हो जा रही है। छुड़ानी गांव में तो मातन लिंक ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई। ड्रेन में 15 से 20 फीट चौड़ा कट बन गया, जिसकी वजह से ड्रेन का पानी भी खेतों में भर गया है और धान की फसल पानी में पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। किसानों ने सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन ड्रेन का कट बंद नहीं किया गया। किसानों का कहना है कि ड्रेन को ठीक करने के नाम पर सिर्फ लिपापोती होती रही। समस्या है जी, बारिश ज्यादा हो गई, 2 महीने ड्रेन में पानी नहीं रहा, इन्होंने ना मिट्टी लगाई ना और कुछ, ड्रेन गई टूट और फसल लग रही खराब होने, डूबने लग रही है। आज इन पंप सेट इनके आधे चल रहे हैं, आधे नहीं चल रहे। आधे इधर से पंप सेट उतर लिया, मेरे पीछे पानी दिखाई दे रहा है, इधर से एक पंप सेट था वो उठा के ले गए। समस्या ये है, फसल हुई हुई फसल खराब होने लग रही है। मांग ये करते सरकार से भाई का उचित समाधान करा जा बढ़िया इतना, ये नहीं लिपापोती हर साल लिपापोती हो जाए, थोड़ी थोड़ी सटाई कर छोड़ दे ऐसे कैसे। 500 एकड़ जमीन है ये, 500 एकड़ हर साल डूबा है। अब की बार बारिश थोड़ी लेट हुई, ताकि ये थोड़ी बहुत होगी थी फसल, कई साल से तो होती भी नहीं, अब की बार फसल हुई है, हुई हुई फसल को डुबोने लग रहे हैं ये। मातन लिंक ड्रेन को ठीक करने के लिए सिंचाई विभाग ने कर्मचारी को भी भेजा, लेकिन कर्मचारियों के पास कट को बंद करने के लिए प्लास्टिक के ना तो कट्टे थे और ना ही मिट्टी। मिट्टी और प्लास्टिक के कट्टे घंटों तक नहीं आने के बाद सिंचाई विभाग के कर्मचारी खेतों में भरे ड्रेन के पानी से मछली पकड़ने में जुट गए। जिन कर्मचारियों को ड्रेन का कट बंद कर किसानों को राहत देनी थी, वो मछली पकड़कर एंजॉय कर रहे थे। दरअसल करीब 40 साल बाद मातन लिंक ड्रेन का निर्माण हुआ है। आधा अधूरा निर्माण किसानों के लिए शामत बन गया है। मातन लिंक ड्रेन का पानी केसीबी ड्रेन में डाला जाता है। इसके लिए 10 क्यूसिक के 6 पंप मंजूर हो रखे हैं, लेकिन वो पंप अभी तक नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे पंप सेट लगाकर पानी की निकासी शुरू की गई है। सिंचाई विभाग के मैकेनिकल शाखा के जेई मनोज ने बताया कि डीजल और इलेक्ट्रिक पंप लगाकर पानी की निकासी की जा रही है। बारिश बंद होने के बाद 2 से 3 दिन में पानी की निकासी करवाई जाएगी। पंपिंग सेट लगाए हुए हैं पानी निकासी के लिए। सर हमारे क्या है, 12 तो हमारे 3-3 क्यूसिक के इलेक्ट्रिकल पंप्स हैं, 4 हमारे क्या है 2-2 क्यूसिक के डीजल पंप हैं, और हमारे क्या है 2 हमारे क्या है 5-5 क्यूसिक के वीटी पंप हैं, और हम 2 और ईपी सेट इंस्टॉल करवा रहे हैं पानी निकासी के लिए। सर उसके लिए हम खेतों में मोटर इंस्टॉल करा देंगे, जहाँ खेतों में पानी भरा हुआ है उसकी निकासी जल्दी ही करा दी जाएगी। सर 2-3 दिन में इस पानी की निकासी कर ली जाएगी। मातन लिंक ड्रेन के निर्माण में जमकर खामियां और भ्रष्टाचार हुआ है। मातन लिंक ड्रेन का निर्माण बाहर से मिट्टी लाकर होना था, लेकिन ठेकेदार ने ड्रेन के रास्ते की मिट्टी खोदकर उसे बना दिया और ड्रेन के किनारे भी मजबूत नहीं किए, जिसकी वजह से बारिश के इस सीजन में मातन लिंक ड्रेन 2 बार टूट चुका है। फिलहाल किसान भगवान से और ज्यादा बारिश नहीं करने की प्रार्थना कर रहे हैं और शासन प्रशासन से राहत कार्य में तेजी लाने की गुजारिश कर रहे हैं। झज्जर से जगदीप राजयान की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।